दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं पांच बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जैसा कि आप सामने हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पांच बड़ी खबरें हैं, जिनमें मई मंथ की पेंशन और सैलरी क्रेडिट से रिलेटेड है। दूसरी बड़ी खबर मैं देने वाला हूँ 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स पर। तीसरी बड़ी खबर देने वाला हूँ 15 मंथ्स के 15% डीए मर्ज को लेकर के। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर होगी मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ चौथी बड़ी अपडेट दूंगा ORP3 वर्सेस 8CPC यानी कि 8वें वेतन आयोग में से किसमें ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये खबरें होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, इसलिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर और भी चीज़ें देखेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेशन से रिलेटेड होती हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात करें तो मई मंथ की पेंशन और फैमिली पेंशन सैलरी आपके खातों में अब क्रेडिट हो चुकी है। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे थे कि अभी तक उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप एक बार अपना मैसेज, कई बार नहीं आते हैं या कई बार मेल नहीं आता है बैंक का, तो बैंक स्टेटमेंट आप निकाल कर देखिएगा, आपकी मई मंथ की पेंशन और फैमिली पेंशन क्रेडिट हो चुकी होगी। इसके बाद भी अगर आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है तो आप अपने CPCCs में, ये बैंक्स में या फिर अपने ऑफिस में भी जाकर के एक बार पता कर सकते हैं कि क्यों आपकी पेंशन अभी तक खातों में क्रेडिट क्यों नहीं हुई है। क्योंकि कई बार फैमिली पेंशन और पेंशन जो होती है वो जो है आपके लाइफ सर्टिफिकेट सही सबमिट ना करने के चलते भी रुक जाती है, जिसके चलते पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को काफ़ी उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको कई सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाती। इसलिए आप एक बार जाके चेक कर लीजिए बैंक स्टेटमेंट, नहीं तो आप अपने ऑफिस में जाके एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जो है वो जरूर चेक करिएगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बेसिकली 2 से लेकर के 5 तक की जो खबर है वो मोस्टली आप अभी तक यूट्यूब पर देख रहे होंगे, जिसमें पहली बड़ी खबर होती है 18 मंथ्स डीए और डीआर को लेकर के, 50% डीए और डीआर के मर्ज को लेकर के, ORP3 और 8CPC में जो बढ़ोतरी हुई है या बढ़ोतरी जो होगी उसमें लेकर के, साथ ही साथ मिनिमम पेंशन जो है यानी कि 5, 10 और 15% या हर साल एक ब्लॉक में 1% पेंशन में बढ़ोतरी की, ऐसी खबरें बहुत दिनों से चल रही हैं। लेकिन अभी तक इनमें से जो भी खबरें हैं वो ना तो सच हुई हैं और ना भारत सरकार ने, या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी टाइप से कोई भी इसमें बढ़ोतरी करने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर तो संसद में ही क्लियर बोला जा चुका था कि अभी गवर्नमेंट इंटर मिनिस्ट्रियल और मिनिस्ट्रियल दोनों ही तरीके से 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी नहीं सोच रही है। इसमें उन्होंने लेकिन ये भी नहीं बोला कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अभी फिलहाल 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि अब जब वेतन आयोग आएगा तो उससे पहले एक कमेटी गठित होती है, जैसे कि 7CPC में हुआ था। 7वां वेतन आयोग आपको 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसके पहले एक कमेटी गठित की गई थी, वो शायद 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशंस को चुना गया और बाद में एक आपका फाइनल के पे कमीशन आया। तो इस बार भी ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल या फिर नई साल के आने तक इसमें कोई ना कोई अपडेट्स आएगा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने का, या फिर 8वां वेतन आयोग अगर नहीं आता है तो उसके बदले कुछ और आपका पेंशन रिवीजन या सैलरी रिवीजन का कोई ना कोई फॉर्मूला निकल कर आएगा। मोस्टली बहुत सारे पेंशनर्स ये भी बोल रहे थे कि एक्वाइट फार्मूला हो सकता है या ऑटोमेटिक पे रिवीजन हो सकता है या परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, तो आगे आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं 18 मंथ्स डीए और डीआर कैरियर्स पर, तो ये सब बहुत सारे लोग अज्यूम्स कर रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो 18 मंथ्स का डी और डीआर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, खूब मैं जानकारी के लिए बता दूं और पहले भी बता चुका हूं कि आपको 18 इयर्स का डी और डीआर कैरियर्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट पहले ही रिटर्न ऑर्डर में बोल चुकी है, इसके अलावा संसद में भी कई बार रिटर्न आदेश में सरकार बोल चुकी है कि आपका 18 मंथ्स का डी और डीआर कैरियर्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशन हालांकि इसमें बात करती रहती हैं और कोई ना कोई इसमें आउटपुट निकलकर देखने को जरूर मिलेगा, और जैसे
से कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा, हम आपको जरूर बता देंगे। हालांकि अभी फिलहाल यही है कि आपको 18 मंथ का डीए और डीआर के एरियर्स आपके खातों में नहीं मिलेगा। बात करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा की, तो आपको पता है कि लास्ट मंथ की डे निकल गया है अब, लेकिन अभी तक जनवरी के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना फरवरी, ना मार्च और ना अप्रैल। 3 मंथ्स का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा रुका हुआ है, जिसके चलते पेंशनर्स पैनिक हो रहे हैं क्या उनको जुलाई 2024 में डीए और डीआर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख के बाद जो जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसके 4 तारीख के बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें अपडेट होंगी और आपको हो सकता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा देखने को मिले। और बाकी और उसके बाद जुलाई 2024 से जैसे डीए और डीआर चलता आ रहा है वैसे ही उसमें रिस्पेक्टिवली चलता जाए। हालांकि ये अज्यूमिंग है, आगे आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा कि ये डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे में ये डेटा निकल कर आ जाता था और उसमें आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ते हुए दर पर मिलता था। लेकिन आप बात करते हैं 50% डीए मर्ज की, तो 50% डीए मर्ज में बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि अब 50% डीए मर्ज होने वाला है और जुलाई से फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 5th pay commission में था। 7th pay commission का आप पूरा एक पढ़ेंगे, पूरा सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जो कि मैंने पढ़ी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि 50% डीए मर्ज होगा। आपका 50% जैसे है 54% होगा वैसे इसको बढ़ता जाएगा, उसमें कोई भी तरीके से 54, 53, 55 जो भी बढ़ेगा वो इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें किसी भी टाइप से और भी चीजें नहीं होंगी। आपका जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही होंगी और जो लोग बोल रहे हैं कि 50% डीए मर्ज होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मर्जिंग जैसी सिचुएशन नहीं है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में इसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि मर्जिंग हुआ कि नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे जहां तक लगता है इसमें मर्जिंग नहीं हो सकती है। लास्ट बात करते हैं हम मिनिमम पेंशन की, तो आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों एक मीटिंग हुई थी जिसमें मिनिमम पेंशन में 5, 10 और 15 यानी कि 60 से 65 के बीच में 5%, 65 से 70 के बीच में 5% और 70 से 75 के बीच में 5% की बात की गई थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि आपको 80 वर्ष के ऊपर से आपको एडिशनल पेंशन दी जाती है 20%, उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और 100 साल में आपको पूरी 100% पेंशन बढ़ोतरी दे दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उनको 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद भी उनको अभी तक जो है उनको नहीं मिल पाई है पेंशन बढ़ोतरी। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने खुद क्लियर बोला हुआ है कि या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है या डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, मंथ नहीं लिखा हुआ है, जिसके चलते वो एडिशनल पेंशन वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने पीपीओ में जाकर के सही चीजें ऐड कराएं और मिनिमम पेंशन का फायदा वहां पर आप ले सकते हैं। हालांकि मिनिमम पेंशन आपको 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले के पेंशनर्स लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी पेंशन में, बेसिक पेंशन में भी एटलीस्ट 5-5 साल के ब्लॉक में 5% की बेसिक में वृद्धि की जाए, जिस प्रकार से हर साल एग्जिस्टिंग या सर्विंग एम्प्लॉइज के बेसिक पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होती है। तो आगे आने वाले दिनों में जब थोड़ी चीजें क्लियर होंगी तब आपको बता पाएंगे कि क्या चीजें इसमें मिनिमम पेंशन होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीजें अज्यूमिंग है, जब तक आपको खातों में न मिल जाए तब ये सारी चीजें समझनी बहुत सही नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे पेंशन ये चीजें पूछ रहे थे इसलिए मैंने बताया 18 मंथ्स के डीए डीआर पर अपडेट, 50% डीआर पर मिनिमम पेंशन पर सारी अपडेट दी। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज़ इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।